गुड पीपल, दिस इज युवराज और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल के एक प्यारी सी वीडियो में, जो कि ब्लॉग नहीं होने वाली है, ये होने वाली है एक अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि हम करने वाले इस प्यारे से सरप्राइज बॉक्स जो मुझे मिला है एमएक्स तगड़ा की तरफ से। सो ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई मकसद तो नहीं था, बट मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि जब उन्होंने सर्च किया यूट्यूब पे कि भैया एमएक्स तगड़ा से गिफ्ट किस तरीके से मिलता है या किस तरीके से, तो लोगों ने 6-7 वीडियो डाल के रखी है, बट उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि उन्हें किस तरीके से ये बॉक्स मिला है, या फिर एमएक्स तगड़ा पे आप किस तरीके से जल्दी ग्रो हो सकते हैं या फिर ब्लू टिक पा सकते हैं। अब भैया ये मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे एमएक्स तगड़ा पे जाकर अकाउंट देख सकते हैं, मुझे ये बॉक्स मिला है एंड आई हैव ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैच जिसे कहते हैं आप, तो वो मुझे किस तरीके से मिला तो इस वीडियो में मैं पूरी बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरी देखना एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं एमएक्स तगड़ा के बारे में। तो भैया एमएक्स तगड़ा क्या बला है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम। तो एमएक्स तगड़ा इंडिया का लीडिंग ऐप चल रहा है भैया, नंबर वन पे चल रहा है, बाकी जितने भी ऐप आते हैं वो इसके बाद में आ रहे हैं, नंबर वन लीडिंग ऐप चल रहा है। अब आप बोलेंगे भैया तू तो हवा में बातें फेंक रहा है क्योंकि तेरे को ये डब्बा मिल गया और तेरे को वेरिफिकेशन बैच है, तू एमएक्स तगड़ा का क्रिएटर है इसलिए तू ये बोलेगा, तो नहीं भैया ऐसी बात नहीं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं एंड आप देखेंगे जितने भी ऐप, तो भैया इंस्टाग्राम पे भी देख लो और आप अगर सोशल मीडिया या फिर टीवी ओटीटी जितने भी देख रहे हो, तो भैया एमएक्स तगड़ा सबको स्पॉन्सर कर रहा है, बाकी के लीडिंग ऐप मेरे को बता दो कौन सा स्पॉन्सर कर रहा है भैया। बिग बॉस ओटीटी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? एमएक्स तगड़ा। जितने भी आधे से ज्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो कौन से ऐप पे मिलेंगे आपको? एमएक्स तगड़ा। तो भैया झूठ बात तो है नहीं, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो बाकी के ऐप कोई वो नहीं कर रहा, और इंस्टाग्राम पे भी भैया एमएक्स तगड़ा को वेरीफाइड बैज मिला हुआ है, बाकी किसी आपके जितने भी ऐप है उनको वेरिफिकेशन बैज नहीं मिला है। तो हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ऐप से जुड़ा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे इस पर भरोसा था एंड आने वाले फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा ग्रो होने वाला है और क्रिएटर जितने भी हम सब हैं तो उनको बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं। तो अगर नहीं हो अभी ऐप पे तो अब भी आ जाओ ऐप पे, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मुझे मज़ा आ रही है वीडियोज़ बनाने में, एंड मुझे ऐसी चीज़ें जब गिफ्ट मिल जाती है ना क्रिएटर को उसके काम की कहते हैं काम के तौर पे गिफ्ट मिल जाता है भैया कि आपने बहुत अच्छा काम किया ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आपको मेरी थोड़ी अगर चेवर कर रहा हूँ मतलब मैं लफ्ज़ मेरे लड़खड़ा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो अब बात करते हैं भैया इस बॉक्स के ऊपर, ज़्यादा देर नहीं करते नहीं तो आप लोग गालियाँ देने लग जाओगे कि भैया सीधे बात करना बॉक्स में क्या क्या है। तो भैया ये है बॉक्स और जो कि है अभी फ़िलहाल खाली, मतलब एक दो आइटम पड़े हैं, डायरी पड़ी है एंड हाँ ये कुछ थोड़े एक दो आइटम पड़ा है। अब भैया आप बात करते हैं, ये मुझे बॉक्स मिला था समथिंग 2-3 महीने पहले। अब आप बोलेंगे आप वीडियो बना रहा है अब इसकी नींद खुली है, तो मैंने जो आपको बोला इस साड़ी में कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि किसी ने प्रॉपर इसके बारे में बताया नहीं है कि मतलब किस तरीके से आप पा सकते हैं और किस तरीके से ये, तो भैया मैं आपको बताता हूँ ये बॉक्स मुझे क्यों मिला। अब ये बॉक्स मुझे इसलिए मिला है क्योंकि आई एम अ मेंबर ऑफ क्रिएटर्स क्लब। क्रिएटर्स क्लब अगर आप ऐप पे आएंगे तो क्रिएटर्स क्लब एक बैज होता है जो आपकी प्रोफाइल की फोटो के ऊपर लगता है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो भैया ये बैज का फायदा ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आप कंटेंट क्रिएटर अच्छे हो, अच्छा कंटेंट बना रहे हो आप, तो आपको एमएक्स तगड़ा ये देता है अपनी तरफ से देता है ये बैज कि क्रिएटर्स क्लब मतलब आप क्रिएटर हो, अच्छे क्रिएटर हो, अच्छे क्रिएटर को देता है। तो अब इसके दो चांसेस है अगर ये बैज आपको चाहिए तो, पहला आपका कॉन्टेंट आप बहुत स्ट्रांग रखें तो एमएक्स तगड़ा खुद आपको अगर उनको लगेगा कि भैया ये अच्छा कंटेंट बना रहा है तो भैया इसको दे देंगे, और दूसरी चीज़ होती है वो होता है साल में एक बार आता है ये फॉर्म फिलअप करने का, क्रिएटर्स क्लब का पार्टनर बनने का आपको मौका देते हैं एमएक्स तगड़ा कि अगर भैया हम आपको देख नहीं पाते तो आप हमको खुद अपना फॉर्म फिलअप करके बताओ कि भैया आप क्रिएटर हो अच्छे हो, फिर वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे और अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये इसमें दम है तो वो आपको क्रिएटर क्लब बैच दे देंगे। अब मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने ये फिलअप किया था फॉर्म, अब ये फॉर्म फिलअप किया था मैंने समथिंग आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में किया था पिछले साल, एंड देन उसके बाद में उसके 3 महीने बाद मुझे एमएक्स तगड़ा की टीम से कॉल आया था कि भैया आप सिलेक्ट हो गए हो क्रिएटर्स क्लब के लिए, देन वो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे एंड फिर उसमें वो आपको हैशटैग चैलेंजेस भेजते रहते हैं कि मतलब भैया ये ट्रेंडिंग हैशटैग आने वाला है, ये आ चुका है, इस पर आप वीडियोज बना के डालें, वो आपको बहुत हेल्प करता है हैशटैग हैशटैग में आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड के साथ में चलोगे भैया तो ही काम होगा, आप अगर बोलो कि नहीं मैं ट्रेंड से हटके करूँगा तो वो बाद में कर सकते हो आप, बट अभी फिलहाल आपको अगर ग्रो होना है तो आपको ट्रेंड के साथ में चलना ही पड़ेगा।
तो उसमें इस तरीके से बताते रहते हैं, देन आप बनाते जाते हो बनाते जाते हो बनाते जाते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आप मास्टर हो जाते हो उस चीज़ में, एंड देन पब्लिक आपसे जुड़ती जाती है जुड़ती जाती है, तो फिर उनको भी लगता है सगड़ा को कि भैया ये आदमी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ही नहीं है कि मतलब जो भी क्रिएटर्स क्लब ग्रुप में मेंबर जुड़े हैं उन सबको ये बॉक्स मिलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉक्स उन लोगों को मिलता है वो ऐप देखते हैं, मतलब जो एमएस तगड़ की टीम है वो बैठ के ये देखती है कि भैया आदमी जो है जो क्रिएटर है वो डेली कंटेंट अपलोड कर रहा है कि नहीं। मतलब मान के चलिए ये बॉक्स मिलता है क्रिएटर्स क्लब मेंबर होने के 3 या 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद आपको ये बॉक्स दिया जाता है एक गिफ्ट के तौर पे कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसे ही लगे रहो। सो ये मुझे मिला था, हाँ मतलब क्रिएटर्स क्लब बैच मिलने के 2-3 महीने बाद ही आया था मुझे, और ये इसलिए आया था क्योंकि मैं डेली वीडियोस पोस्ट कर रहा था और डेली समथिंग 2 से 3 या कभी कभी 5-5 वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा था, तो उनको लगता है कि नहीं ये मेहनत कर रहा है और इसे एक अंदर से चाह है ग्रो होने की। देन उन्होंने ये मुझे बॉक्स भेजा। अब इस बॉक्स के अंदर क्या क्या था, तो ये मैं अभी तो भैया खाली हो गया क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ। सो ये आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी देखेंगे आप, तो ये मुझे तब मैंने अनबॉक्सिंग करी थी मेरे इंस्टाग्राम के लिए, तो आप अभी वो वीडियो देख सकते हैं। And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together. तो जैसा कि आपने वो वीडियो देखी तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हो रही है, जैसे कि ये फोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पीछे वो पॉपअप लगा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, एंड ये जो देख रहे हैं आप सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड जो भी इसको आप कह सकते हैं 2-in-1, सो ये अभी ये लगा हुआ है। सो इस तरीके से फिर एक डायरी थी, एक टी शर्ट है जो कि अभी रखी हुई है, देन इसके बाद में पैन मिली थी, पैन भी रखी हुई है, डायरी इसके अंदर ही अभी, और एक बॉटल वो मिली थी, बॉटल मिली थी, बॉटल कहेंगे या फिर उसे शेकर कहेंगे, आई डोंट नो, तो वो मिला है तो वो भी रखा हुआ है। सभी चीज़ें सब रख दिए, पर्स एंड झोला जो भी आपने देखे तो सब अभी रख दिए हैं, अभी बॉक्स खाली पड़ा है। मैंने बस इसीलिए बनाई वीडियो ये कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि किस तरीके से आप पा सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं क्रिएटर्स क्लब बैच लेने के। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन बैच की, कि मुझे भैया वेरिफिकेशन बैच कैसे मिल गया और आपको किस तरीके से मिल सकता है। तो पहली चीज तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि फॉलोवर्स मैटर करते हैं, नो फॉलोवर्स मैटर नहीं करते, हाँ कहीं हद तक कह सकते हो कि करते हैं, मतलब ये भी नहीं है कि वेरिफिकेशन पाने के लिए आपको मिलियंस में होना चाहिए या 100K 200K फॉलोवर्स होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम यही प्रोसेस है इंस्टाग्राम के लिए, आपको ये होना चाहिए कि आपकी ना, खैर इंस्टाग्राम का अलग एल्गोरिदम है और एमएक्स अकाउंट का अलग है। सो मेरे आप देख सकते हैं फॉलोअर्स समथिंग 20K समथिंग है, एंड मुझे वेरिफिकेशन बैच मिला हुआ है। ये क्यों मिला है मुझे, क्योंकि मैं भैया डेली अपलोड कर रहा था 5 से 6 वीडियो एंड कंटेंट डाल रहा हूँ, अच्छा डाल रहा हूँ, तो क्रिएट एमएक्स अकाउंट को लगता है टीम को कि भैया ये लड़का लगा हुआ है, लगा पड़ा है अपनी तरफ से और मेहनत कर रहा है, तो भैया हमको भी हमारा एक फर्ज होता है कि हम इसे कुछ अपनी तरफ से दे। तो भैया ये उन्होंने मुझे वेरिफिकेशन बैच दे दिया क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर, ऐसा नहीं है देखो। सो मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको कंटेंट क्रिएटर तो नहीं कहूंगा, जो कि यूट्यूब से वीडियोस और स्टेटस उठा के डाल देते हैं और उनके व्यूज पे मिलियंस में होते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। आप फॉलोअर्स कमा सकते हो, आप लाइक कमा सकते हो, आप जितने भी आपको करना फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाएंगे, बट आप क्रिएटर नहीं कहलाओगे, आपको वेरिफिकेशन बैच नहीं मिलेगा, आपको ऐप की तरफ से कुछ आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, इट्स अ कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, व्यूज आ जाएंगे लाइक आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को दूसरों को देखना पसंद है, उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज के आप वीडियो स्टेटस डाल दोगे तो वो देखेंगे लाइक भी करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके फेवरेट है, बट वो आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप कि इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा आप ना ही करें तो ही अच्छा है। ऐसे तो मैं भी भैया बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज क्रिएटर्स, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, हाँ मैं ऑल्सो यूट्यूबर, और मैं मेरे शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं वो उठा उठा के शॉर्ट क्लिप में डाल दूंगा तो उस पर लाइक अच्छे आएंगे, बट मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि भैया एक पोर्ट्रेट मोड का भी समझ रहे हो, एक ऐप है जो पोर्ट्रेट मोड का लिए है, तो आप पोर्ट्रेट मोड मतलब खड़ा मोड, जो आप टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम रील्स और ये बनाते हो, सो हर ऐप इस तरीके से काम करता है, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कुछ भी ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है,
मेहनत तो करना ही है मतलब, बट मतलब दिमाग में इतना लोड नहीं लेना है कि भाई किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब होगा। देखो हर चीज़ समय मांगती है, आप उसको अपना अपना समय दो, जो वो चीज़ मांग रही है उतना समय दो, और फिर देखो कि काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मेरी अगर बात मानो आप, तो मैं आई डोंट नो, मेरे दोस्तों को भी मैंने कह के रखा है, वो सुनते नहीं है, बट जैसे आप अगर इंस्टाग्राम पे एक आपने रील बनाई, सुना मेरी बात, इंस्टाग्राम पे रील बनाई वो रील सेव भी हो जाती है, या एमएक्स सड़क पे आपने कोई सी वीडियो बनाई वो सेव भी हो जाती है, वो वीडियो आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मौज हो गया, टिकी हो गया, जोश हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स, भैया यूट्यूब शॉर्ट्स अभी आने वाले समय में बहुत ग्रो होने वाला है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स से बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि भैया यूट्यूब इंडिया ने यूट्यूब शॉर्ट्स का शॉर्ट्स को बजट दे दिया भैया खतरनाक वाले, तो भैया लपक पैसे कमाने वाले आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, सॉरी सो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अभी बहुत पैसा कमाने वाले, तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आ जाओ, समझ लो। तो एक वीडियो बनाओ, हर प्लेटफॉर्म पे डालो, देखो आपकी किस्मत किस पे चमकती है, और जिस ऐप पे भी चमके भैया बोरिया बिस्तर लेके धावा बोल देना, मैं तो खुला कह रहा हूँ। मैं इस ऐप के लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि एमएक्स सड़क पे आप कभी ग्रो नहीं हो रहे हो तो इस ऐप पे तो भी लगे पड़े हो, नहीं भैया हर टाइम दो, देखो जितना टाइम लगता है थोड़ा टाइम देना अपने इसको भी, थोड़ा टाइम दो दूसरों ऐप को भी, जिस पे आपकी किस्मत, डालते सब पे रहो वीडियोस, भैया आपकी किस्मत का क्या भरोसा, इस पे ग्रो हो जाओ, मौज पे ग्रो हो जाओ, टिकी पे ग्रो हो जाओ, जोश पे ग्रो हो जाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ग्रो हो जाओ, जिस पे भी ग्रो हो फिर सब धावा बोल के उस ऐप पे लग जाना, फिर 17 चीज़ों को मत देखना, अगर आप एक चीज़ पे फोकस हो गए ना फिर देन आपको कोई नहीं रोक सकता हिट होने से, ये मेरा प्रॉमिस है। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिफिकेशन बैच के लिए फॉलोअर्स मैटर, बिल्कुल नहीं करते, हाँ सर्टेन करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि आप 100 फॉलोअर्स को बोलो मुझे वेरिफिकेशन बैच दे दो, नहीं ऐसा भी नहीं है, समथिंग लाइक आपको 10 के तो होना ही चाहिए यार फॉलोअर, वेरिफिकेशन बैच के लिए 10 के तो आपको यही है कि मैं वेरीफाइड हूँ, मैं लोगों की 17 चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं मेरा खुद का कॉन्टेंट बना रहा हूँ, सो आपको वेरिफिकेशन बैच आराम से मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं लफ्ज़ लड़खड़ा रहे हैं मेरे, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मैंने आपकी कुछ मदद कर दी हो, किसी हद तक मदद कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मुझे सपोर्ट करो, मेरे मेन चैनल को भी सपोर्ट करो, एंड मेरा एक रिएक्शन चैनल भी है, मेरे फैमिली की, मेरी सिस्टर्स बनाती है रिएक्शन, अतरंगी रिएक्शन, तो उसे भी जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोनों चैनलों की, तो प्लीज़ वहाँ जाके हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें एंड और इस तरीके के बॉक्स अगर मुझे और भी मिलते हैं इन फ्यूचर में, जो कि मिलना चाहिए मिलेंगे, तो जैसे ही मिलते हैं मैं उसके ऊपर भी अनबॉक्सिंग वीडियो अब यूट्यूब के लिए भी बनाऊंगा। पहले मैं क्या करता था कि पहले मुझे इस चीज़ का शौक नहीं था, मतलब ये भी अगर मेरे दोस्त नहीं बोलते मुझे कि भैया इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं है, तो मैं नहीं बनाता वीडियो, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोज़ देखी जो अनबॉक्सिंग करके देखा है, मैं ये मिला है, जो कि वो शो ऑफ हो गया, खुशी जाहिर करना हो गई, शो ऑफ ही नहीं बोलूँगा, बट आप जब देखते हो तो आपके दिल में यार मुझे कब मिलेगा, तो मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाई कि आपको मालूम पड़ जाए कि भैया आपको किस तरीके से मिल सकता है ये। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड बस यही कहूँगा, ज़्यादा आपकी वीडियो को खींचूंगा नहीं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर सही में वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ही लाइक करना, अदरवाइज आप मत करो लाइक, बेफिक्र रहो इस चीज़ के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर दिल करे तो। ओके बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।